छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पारित नवीन आरक्षण बिल को लेकर हो रहे विरोध के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा दुर्ग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की भूपेश सरकार द्वारा पारित नवीन आरक्षण विधेयक अनुमोदन करने हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी सभी इकाइयों के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग में भी एक दिवसीय सद्बुद्धि यज्ञ कर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया गया। साथ ही कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उक्त विधेयक को पास करने हेतु मांग राजभवन के नाम ज्ञापन सौंप कर की। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, वहीं विपक्षियों द्वारा जिस तरीके से पारित आरक्षण बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है वह गलत है। कांग्रेस चाहती है पूरे प्रदेश को प्रदेश की जनता को जो भारतीय संविधान के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके आधार पे आरक्षण मिले और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 32% अनुसूचित जनजाति और 13% अनुसूचित जाति के लोग निवासरत है, इसलिए उनको उनके जनसंख्या के आधार पर 32% और 13% लागू करने की सिफारिश कांग्रेस सरकार की। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 48% है, लेकिन हेड काउंट में 43% आया, मगर पिछड़े वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिश में अधिकतम 27% आरक्षण दिया जाना है। वह आरक्षण भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कांग्रेस सरकार के अगड़े वर्ग के जो EWS के हमारे जो साथी हैं लोग निवास करते हैं उनको भी 4% आरक्षण हेड काउंट के आधार पर दिए जाने की सिफारिश की गई। मगर माननीय राज्यपाल ने कहा था कि आप विधेयक ले आइए और मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी, दस्तखत कर दूंगा। और आज एक महीने होने जा रहा है विधेयक को उनके पास जाने के पश्चात भी वो हस्ताक्षर नहीं कर रही है, उल्टे वो 10 सवाल कर लिख कर भेजती जिसका राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो चाहे हमारे विधेयक को जो पास हुए उसको वापस कर देती या रोक कर रख लेती या ऊपर राष्ट्रपति या PMO कार्यालय भेजती। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जाति और वर्ग के नाम पर वो काम को लेकर विकास को लेकर राजनीति नहीं कर रहे, वो लड़ाने का काम वो चाहती है कि सांकेतिक कार्यक्रम में और हमारे देश का लाभ किसी को न मिले। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है इन वर्गों का अनदेखी किया गया है। मंत्रिमंडल की बात करें या सरकार के अन्य विभागों में। ग्रैनी CN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।